हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं विसी और आप देख रहे हैं बाउंटी इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे जो लेटेस्ट डीमार्ट का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया वो कैसा है, और उसके बाद आपकी क्या रणनीति होगी, बाय करें, सेल करें या होल्ड करें डीमार्ट के शेयर में। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हम क्या है, इंडिकेटर एक सीरीज बना रहे, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे, और अच्छा रिस्पांस मिला तो हम उसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करने वाले। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ लर्निंग करने तो सिंपल सा तरीका, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। पहले हम इस कंपनी की क्वालिटी देख ले, तो गुड क्वालिटी की यह कंपनी है। गुड क्वालिटी बाय मैनेजमेंट, रिस्क ग्रोथ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इस कंपनी का ग्रोथ सेल्स देख लेते हैं तो 28.02% ग्रोथ है। बाद में नेट डेप टू इक्विटी रेशियो देख लेते हैं तो नेगेटिव नेट डेप टू इक्विटी रेशियो, जो कि एक अच्छी बात होती है। प्लेस प्रमोटर होल्डिंग भी जीरो है, तो एक अच्छी क्वालिटी की एक कंपनी है। अभी हम इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे हाल फिलहाल ट्रेड करा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस कंपनी को थोड़ा ओवर प्राइस दे रहे हो। वो आपको चार्ट पे या क्या है कि इसके फंडामेंटल या क्या है कि एक लेवल देखना पड़ेगा जहां से आप बाय कर सको। तो ये अपने हिसाब से क्या है कि वेरी एक्सपेंसिव बता रहा है, लेकिन देखो, अच्छी कंपनी होती है वो अच्छे प्राइस पे ही मिलती है, वो भी एक बात याद रख के आगे चलो। तो आपको सब कुछ मिला के आगे चलना होता है। बाद में पी रेशियो देख ले तो पी रेशियो 104.38 है। बाद में क्या है कि आरओसी देख लेते, आरओसी 24.62% है। बाद में आरओई देख ले तो आरओई 18.01% है। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है वो। अब हम आ चुके इस कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर, तो पहले हम क्वार्टरली क्वार्टर रिजल्ट देख लेते। तो जो नेट सेल्स है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 13.50% की अपसाइड देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात है। बाद में नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 18.24% की इसमें अपसाइड दिखाई दे रही है, जो भी एक अच्छी बात है। बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लेते, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 0.12% की अपसाइड देखने को मिली, जो भी एक अच्छी बात है। अब हम इस कंपनी के ईयर टू ईयर क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते, तो इस कंपनी में नेट सेल्स ईयर टू ईयर क्वार्टरली रिजल्ट में 23.87% की अपसाइड दिखाई दे रही है। बाद में नेट सेल्स की बात करें तो नेट सेल्स में भी 53.34% की अपसाइड दिखाई दे रही है। बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो जिसमें 0.46% की अपसाइड दिखाई दे रही है। मतलब इन सिंपल हम इसका रिजल्ट देखें तो मेरे को इसका रिजल्ट अच्छा लग रहा है, तो कंपनी भी अच्छी है तो रिजल्ट भी अच्छा है, तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में ये आपको अपसेट देता हुआ दिखे। तो ये हो गए कंपनी के फंडामेंटल। तो मेरे को हाल फिलहाल इसका जो रिजल्ट आया हुआ है फंडामेंटल, तो एक अच्छा फंडामेंटल और एक अच्छे रिजल्ट के साथ अभी कंपनी आई हुई है। तो अभी देखते हैं चार्ट पे क्या हो सकता है, कौन से लेवल पे ये सपोर्ट ले सकता है, कौन से लेवल पे ये रेजिस्टेंस ले सकता है, वो सब। तो अभी चलते हैं चार्ट पे। तो अब हम आ चुके हैं इस कंपनी के चार्ट के ऊपर, तो चार्ट मेरे को हाल फिलहाल क्या है कि एक अपसाइड दिखाई दी, बाद में कंसोलिडेट वाले जोन में दिख रहा है। तो हाल फिलहाल जो चार्ट है, पहले हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो हाल फिलहाल को जो प्राइस है वो कितनी है, तो 1876 रुपये इसकी प्राइस है। अगर मैं इसके नीचे देखूँ इन सपोर्ट में, सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो आपके सपोर्ट कौन से होंगे, तो जो हमारा पहला सपोर्ट होगा वो 1780 का होगा, जो ये ग्रीन लाइन है पहली वाली उसकी बात करो। अगर ये थोड़ा सा डाउन साइड देके इस लाइन के आसपास से अप जाने का कोई सिग्नल देता है तब आप इस पे इधर से बाय कर सकते हो। अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला गया तो बाद में हमारा दूसरा सपोर्ट होगा वो होगा राइजिंग सपोर्ट लाइन। अगर ये राइजिंग सपोर्ट लाइन पे भी कोई क्या है कि अपसाइड जाने का सिग्नल देता है, ये राइजिंग सपोर्ट लाइन मैंने आगे से ड्रॉ करके रखी है, तो ये अगर ये इस लाइन पे आसपास जो ये ब्लू वाली लाइन है उस पे भी क्या है कि सपोर्ट लेके अप जाने की ट्राई करता है तब भी आप इसमें बाइंग साइड जा सकते हो। बाद में अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला गया तो उसके थोड़े ही नीचे आपको इसकी मेन एंड इंपॉर्टेंट क्या है कि सपोर्ट लाइन दिखेगी। ये मेन एंड इंपॉर्टेंट क्यों है पहले मैं वो बता देता हूं, क्योंकि देखो इस बार ये क्या है कि इधर से अप गया था और आगे देखे तो ये जो इसका रेजिस्टेंस था वही इसका सपोर्ट बना हुआ था। तो हो सकता है अगर ये नीचे आए तो जो इसकी मेन एंड इंपॉर्टेंट लाइन जो होगी वो 1700 का लेवल होगी। अगर ये 1700 के लेवल से अप जाने का सिग्नल देता है तब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मान सकते हो, लेकिन उस लेवल पे आपको अपसाइड जाने का कोई सिग्नल मिलना चाहिए। तो ये हो गए हमारे सपोर्ट। इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन से थे, 1780 का लेवल और 1700 का लेवल। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया आपके लिए। बाद में हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो हाल फिलहाल जो इसके रेजिस्टेंस एक ही में रखूंगा वो रेजिस्टेंस होगा 2000 का लेवल, मतलब 2010 का लेवल है लेकिन मैं 2000 ही बोलूंगा उसको, कि 2000 को लेवल का ये ब्रेक करके प्रॉपर तरीके से अपसाइड निकल जाता है
तब आप इसमें क्या है कि बुलिश साइड भी मान सकते हो और आगे के रेजिस्टेंस की ओर देख सकते हो, वो आपको क्या है कि अपने हिसाब से निकालने पड़ेंगे। और इसमें मैं देख रहा हूँ तो हाल फिलहाल एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल भी बना हुआ है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर इसमें सिमेट्रिकल ट्राइंगल का प्रॉपर तरीके से ब्रेक हो गया तो मैं पर्सनली इसमें क्या है कि अपनी पोजिशन बनाऊंगा शॉर्ट टर्म के लिए और इसमें आगे लेके जाऊंगा। लेकिन कोई भी पोजिशन बनाने से पहले आप अपना देखिए, अपनी एनालिसिस कीजिए, कहाँ आप एंटर हो रहे हो, क्या आपका स्टॉप लॉस होगा, क्या आपका टारगेट होगा, वो सब आप किसी दूसरे के एनालिसिस पे डिपेंड नहीं रह सकते, समझ गए। तो पहले आप अपनी खुद की भी एनालिसिस कीजिए, थोड़ा प्लान बनाइए, बाद में कोई ट्रेड लीजिए। तो मेरे को हाल फिलहाल जो प्राइस पे मिल रहा है वो भी सही लग रही है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए मैं चाहूँ तो थोड़ा सा डाउन साइड देख सकता हूँ, या तो ये प्रॉपर जो ट्राइंगल है उसका ब्रेकआउट होने के बाद में जा सकता हूँ। तो लॉन्ग टर्म वाले थोड़ा वेट कर लीजिए, देखते हैं थोड़े दिन में या शायद इसका ब्रेकआउट होके ऊपर निकल जाएगा या थोड़ा डाउन साइड देके ये दो लेवल से अपसाइड देखने को मिल सकता है। मेरे को रिजल्ट अच्छे आए तो हो सकता है कि ये आपको अपसाइड देता हुआ दिखे, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रिजल्ट अच्छा आया तो प्रॉपर अपसाइड मिलेगी, वो आपको चार्ट पे ही देखना पड़ेगा कि लाइव में क्या हो रहा है। अगर मैं जो मतलब है जिसके पास ये स्टॉक तो उसको मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा, बाय आप इसमें कर सकते हो एड बाद में, या तो ये निचले के लेवल के या तो प्रॉपर ट्रायंगल ब्रेक होने के बाद, लेकिन उसको मैं सेल करने की सलाह हाल फिलहाल नहीं दूंगा। अगर ये लेवल के आसपास से आपको जो 2000 का लेवल उसके आसपास से आपको सेल साइड प्रॉपर सिग्नल मिलता है तभी आप सेल कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी हाल फिलहाल एक अच्छी वैल्यूएशन एक अच्छी प्राइस पे दिख रहा है, तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में बना के रखो ट्रेडिंग के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। मेन है ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, अगर इसका प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट हो जाता है तो मेरे को इसमें एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो ये हो गया हमारी ओर से डीमार्ट का फंडामेंटल, नॉर्मली फंडामेंटल बोलूंगा, और रिजल्ट और क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस। ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी और आपको लगा कि थोड़ा मेरे को जानने को मिला है, नॉलेज मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और इससे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।